महाराष्ट्र के समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एक बस डिवाइडर से टकराकर आग लग गई थी। इस दुर्घटना पर महाराष्ट्र समेत देश भर से कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसों में अब तक 88 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें शनिवार को एक निजी बस के डिवाइडर से टकरा जाने के बाद उसमें आग लगने से 25 यात्रियों की मौत का आंकड़ा भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल दिसंबर में इस एक्सप्रेसवे को आंशिक रूप से खोला गया था। अधिकारी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले साल दिसंबर से अब तक नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पर कुल 39 घातक दुर्घटनाएं हुई है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर 616 छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हुई है, जिनमें 656 लोगों को गंभीर या मामूली चोटें आई।